जन भागीदारी से नशाखोरी समूल नष्ट होगा समाज से। गुप्त सूचना दें, पुलिस करेगी कार्रवाई, बकौल बनमनखी SDPO। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में स्मैक सहित अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थ की तस्करी एवं सेवन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि नशा के आदि युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र भेजकर समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का जन प्रयास किया जाएगा। उक्त बातें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हुलास कुमार अपने कार्यालय वेस्म में आयोजित बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आए दिन बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के सरसी बनमनखी एवं जानकी नगर पुलिस द्वारा एस्मेक शराब पोटबिन कोविड कोडीन युक्त सिरप सनफिक्स सहित अन्य मादक पदार्थ सेवन करने वाले युवाओं की गिरफ्तारी निश्चित रूप से समाज एवं आने वाले समय के लिए शुभ नहीं है। ऐसे में यह बैठक तभी सार्थक होगा जब हरेक आम आवाम अपने जिम्मेदारी निभाते हुए न केवल नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लें बल्कि ऐसे तत्वों को चिन्हित कर पुलिस को गुप्त सूचना देकर कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। SDPO श्री कुमार ने कहा कि आमतौर पर पुलिस को शिकायत मिलती है कि बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र में धड़ल्ले से स्मैक शराब आदि मादक पदार्थ की खरीद बिक्री होती है जिसका सेवन कर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को यदि इस बात की सटीक जानकारी मिले तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित जनमानस से अपील करते हुए कहा कि नशा के विरुद्ध अभियान को सफल बनाने हेतु एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसका नंबर है 9241931003। इस पर कोई भी व्यक्ति मैसेज कर अपने आसपास हो रहे नशा कारोबारी की सूचना दें जिसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों का नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा। बैठक में शिवशंकर तिवारी, शशि शेखर, जीवज कुमार, अभिषेक कुमार आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेशी। आज एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें नशाखोरी के विरुद्ध या तो शराब हो, स्मैक हो, कोडीन हो, इसके विरुद्ध अभियान में जन भागीदारी के लिए सबको प्रेरित किया गया है। इसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसको मैं रिपीट करना चाहूँगा, 9241931003। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी स्मैक से संबंधित, शराब से संबंधित, ये कोडीन से संबंधित या कोई नशीली सुइयां जैसे फोटोइन ये सब से संबंधित आप कोई भी सूचना दे सकते हैं। किसी प्रकार की भी जो है, आप अगर जो आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी नशा के नशाखोरी हो रही है तो आप सरकारी मोबाइल नंबर या जो अभी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर सूचना दे सकते हैं। इसमें सभी लोगों से अपील की गई है कि इसमें जो गार्जियन है, जो और जो आम जन है, प्रबुद्ध जन है, उनको उनसे आग्रह किया गया है कि वह अगर जो किसी बच्चे को, किसी को अपने ही आस पड़ोस में किसी को नशाखोरी में देखते हैं तो या तो उनका एक काउंसलिंग करें या उसे काउंसलिंग जो सेंटर बने हुए हैं वहां ले जाएं। अगर जो उनको लगता है कि इस तरह की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए तो स्वयं आके वो पुलिस से भी इस तरह की सूचना दे सकते हैं। हम लोग उसमें जो है पॉजिटिव काम करेंगे कि हम जानते हैं कि इस कभी कभी बच्चे जो है इस नशाखोरी के शिकार हो जाते हैं। हम लोग का है कि जो भी इसके सप्लायर है, स्मैक के सप्लायर हैं, जो उन्हें इस तरह की डिलीवरी यहाँ दे रहे हैं उन सभी पर कानूनी कार्रवाई करना है। आज इसी क्रम में ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी लोग जो है भाग लिए और सभी ने इसका प्रण भी लिया है कि इस जो नशाखोरी का जो चल रहा है यहाँ बनमनखी में उसको रोकेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया गया। बहुत धन्यवाद।